अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम टू वुमेन्स कॉर्नर। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से राइस रेसिपी लेकर आए हैं। आज हम इसमें मसालों की जगह सिर्फ सॉसेस इस्तेमाल करेंगे और इनको सॉसेस के ज़रिए हम तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास है बोनलेस चिकन, ये मैंने लिया है 400 ग्राम। एक अदद यहाँ पे मैंने गाजर ली है। एक अदद हम यहाँ पे आलू इस्तेमाल करेंगे जिसको मैंने लंबाई में काट लिया है। 2 से 3 अदद हरी मिर्चें, 2 अदद लेमन, 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1.5 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप, 2 टेबलस्पून ऑस्पर सॉस, 5 से 6 जवे लहसुन के लेके इनको भी मैंने ऐसे काट लिया है। नमक आप टेस्ट के मुताबिक लेंगे, मैंने लिया है 1 टेबलस्पून। काली मिर्च पाउडर 1/2 टेबलस्पून और 3 अदद हम इसमें अंडे इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे मैंने 1/2 किलो चावल लिए हैं जिनको मैंने भुगो के रख दिया है। सबसे पहले हम ऑयल गरम करेंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन। यहाँ पे हम चिकन को फ्राई करेंगे और आपने उस टाइम तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, आपने इसे ज़रा अच्छी तरह से फ्राई करना है। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे आलू, साथ ही मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी गाजर और साथ ही मैं यहाँ पर ऐड करूंगी लहसुन। अब यहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए हम इन चीज़ों की भी भुनाई करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे नमक, साथ हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तमाम सॉसेस जिसमें मेरे पास है ऑस्टर सॉस, साथ ही हम ऐड करेंगे सोया सॉस, टोमेटो केचप, चिली सॉस, सिरका, साथ में यहाँ पर ऐड कर दूंगी लेमन और साथ हम यहाँ पर ऐड करेंगे हरी मिर्चें। अब इन सारी चीज़ों को सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए मैं फ्राई करूंगी। 1 मिनट के बाद अब हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। ये मेरे पास चावल का एक बाउल था तो इस वजह से पानी जो है वो हम 2 बाउल ऐड करेंगे। और यहाँ पे इसे हम मिक्स करेंगे एक दफ़ा अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर हम इसे कवर करेंगे और इसके बॉयल आने का हम वेट करेंगे। पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है तो अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे चावल जो हमने पहले भगो के रखे थे। 1/2 घंटा जो है वो आप मस्ट इनको भगो के रखा करें। चावल ऐड करके अब यहाँ पे हम पानी को ड्राई करेंगे। जब तकरीबन पानी खुश्क होने पे आए, अब थोड़ा सा पानी रह गया है तो अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे इस टाइम पे काली मिर्च पाउडर। अब हम इसको मिक्स करेंगे और यहाँ पे जो बाकी पानी है इसको हम ड्राई करेंगे।
पानी खुश करने के बाद अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे अंडे। नमक वगैरह आप साथ चेक कर लिया करें। और 3 अदर अंडे ऐड करके अब हम यहाँ पर इसको बिल्कुल लो फ्लेम करके अब मैं ऐसे दम पे रखूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं इसको दम पे रखे हुए। अब यहाँ पे हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसका दम उतारेंगे और अब हम इसे प्लेट आउट करेंगे। चावलों की बहुत ही यूनिक सी रेसिपी आपके साथ शेयर की है, बहुत ही टेस्टी बन के ये तैयार होते हैं। आप एक दफ़ा इस मेथड से ट्राई कीजिएगा और फिर हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर। Thank you.